क्या आप जानते हैं कि खुश रहना भी एक कला होती है और उस कला को निभाना, उस कला को अपनाना हर किसी को नहीं आता है। तो आज हम इसी कला के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हमें अगर खुश रहना है तो कौन सी आदतें ऐसी हैं जो हमारी लाइफ में हमें खुश रहने से रोकती हैं। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल अमेजिंग फैक्ट्स बाय सोनिया में। मैं हूँ सोनिया चेतन कानन गौर। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो आपको कौन सी आदतों को छोड़ देना चाहिए, हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहिए ताकि आप हमेशा खुश रहे। हमारी ऐसी कई व्यवहारिक आदतें होती हैं जिनकी वजह से हम खुद ही अपनी खुशियों के दुश्मन बन बैठते हैं। जी हाँ, हमें बाहर वालों की जरूरत नहीं है कि वो हमारे दुश्मन बने, हम खुद ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। तो कौन सी ऐसी आदतें होती हैं, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। मतलब ज्यादा सोचना, बिना वजह की ज्यादा सोच जो होती है वो आपके दिमाग के अंदर नेगेटिविटी को जन्म देने का काम करती है। जरूरत से ज्यादा सोचना, किसी ने कुछ आपके लिए नहीं भी किया है तब भी उसके लिए कहानियां बना बना कर कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, और जबरदस्ती का उसे विलेन बना लेना अपनी लाइफ के अंदर आपको ही नेगेटिविटी से भरता है। बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है, उनमें से मैं भी एक शामिल हूँ, जो बीती बातों को बहुत याद करते हैं। वेल, ये नेगेटिविटी का एक कारण होता है जिससे उभरना बहुत मुश्किल का काम होता है, लेकिन अगर हम इन चीजों से उभर जाते हैं तो वो हमारी लाइफ के लिए ही अच्छा होता है। कि बीती बातें जो हैं वो बीत चुकी हैं, वो पास्ट में हैं, वो कभी भी हमारा फ्यूचर नहीं बन सकती, प्रेजेंट नहीं बन सकती। फिर भी हम जो है या तो फ्यूचर में जिएंगे या फिर पास्ट में जिएंगे, हम हमारे प्रेजेंट को जीना भूल जाते हैं। तो बीती बातों को पीछे छोड़ दीजिए, प्रेजेंट में रहिए, और फ्यूचर में जो होगा वो आज की प्लानिंग पर डिपेंड करता है। नेगेटिव थॉट, खुद से नेगेटिव बातें करने से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो एकदम खत्म हो जाता है। तो खुद के अंदर पॉजिटिविटी जो है वो भरिए, खुद को पॉजिटिव थॉट्स की आदत डालिए। कोई भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आ रही है तो उसको रिमूव कर दीजिए और तुरंत उसको पॉजिटिव थॉट्स के साथ में चेंज कर दीजिए। वेल, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अपनी तुलना हम हमेशा दूसरों से करते रहते हैं। यार वो ऐसी है, काश मैं उसके जैसी होती। अरे यार वो इतना कमाता है, काश मैं उसके जैसा कमाता। अरे उसने इतना बढ़िया बंगला बनाया है, मैं भी काश उसके जैसा बंगला बना पाता। अरे भगवान ने जो दिया है वो सब अच्छा दिया है और अच्छा ही देगा। जरूरत के हिसाब से हर इंसान की जरूरत पूरी होती है, तो क्यों हम अपने आप को दूसरों के साथ में कंपेयर करना। मेहनत को कंपेयर करो कि वो इतनी मेहनत कर रहा है तो मैं भी इतनी मेहनत करूँ, वो इतना अच्छा काम कर रहा है तो मैं भी उससे ज़्यादा अच्छा काम करूँ। ये चीज़ें कंपेयर करने की होती हैं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि खुद की देखभाल नहीं करना। इसमें महिलाओं को मैं सबसे पहले लिस्ट में शामिल करना चाहूँगी कि महिलाएं जो होती हैं वो खुद की देखभाल पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, और इस बात का एहसास उन्हें 40s के बाद में होता है जब उनका शरीर जवाब देने लगता है। उस वक्त वो सोचती हैं कि यार काश खुद पर ध्यान दिया होता तो आज मेरे शरीर की ऐसी हालत नहीं होती, मैं बेडोल नहीं होती, मैं कुछ कर रही होती, मेरी लाइफ इतनी बर्बाद नहीं होती, मैं क्या करूँ। ये होता है खुद पर ध्यान नहीं देना। तो आज से ही खुद पर ध्यान देना स्टार्ट कीजिए ताकि आपका फ्यूचर आपके हाथ में हो, किसी और के हाथ में नहीं। गुस्सा, किसी के लिए अपना गुस्सा, ठीक है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको गुस्सा दिलाते हैं, लेकिन वो गुस्सा आपको ही नेगेटिविटी से भर जाता है, आपके अंदर वो एनर्जी जगाता है जो आपको हार्म करती है। तो बेटर है ना उसको हटाओ ना सामने से, किसी और चीज में दिमाग लगा लो तो गुस्सा अपने आप चला जाएगा। नेगेटिव लोगों के आसपास भी नहीं भटके, उन लोगों से कोशिश करें कि दूर रहें। जितना उन लोगों से आप दूर रहेंगे उतना आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी। तो अपने लाइफ को ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए नेगेटिव लोगों से दूरी बनानी बहुत ज़रूरी है। व्यायाम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि व्यायाम के अंतर्गत आपको कुछ ऐसे हार्मोन अपने बॉडी के अंदर रिलीज होते हुए महसूस होते हैं जो आपको खुश रखते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो हमारी खुशी का कारण होते हैं, जिसमें से एंडोर्फिन एंजाइम जो है वो एक है। एंडोर्फिन एंजाइम जो होता है वो जितना आप हंसते हैं ना उतना रिलीज होता है, जितना आप खुश होते हैं उतना ज़्यादा रिलीज होता है, और जितना ज़्यादा वो रिलीज होता है वो आपकी बॉडी को पॉजिटिविटी से भर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि खुश रहिए ताकि वो एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो सके। तो आई होप सो कि यह टिप्स आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशंस आपको रोज़ मिलेंगे, बेल आइकन आपको दबा देनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले थॉट के साथ। बाय बाय।